गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे डॉक्टर्स, तो कैसे आप? तो वो ये हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशियाई नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। और यहाँ पर आपको नीट वेस कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें मैंने जो बायोलॉजी स्टार्ट की थी उसमें सेल बायोलॉजी को ख़त्म करवा दिया है। और सेल बायोलॉजी के बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारे बायोलॉजी की, जिसकी खूबसूरती यह है कि उसमें हमको क्या हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनकी स्ट्रक्चर को समझने की मौका मिलता है, उनकी फिजियोलॉजी को समझने का मौका मिलता है। और उस यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी क्या है, 7 चैप्टर इंक्लूड है। कौन सी किताब में? 11th की जो बुक है आपकी उसमें 7 चैप्टर इंक्लूड है, जिसमें 8 सिस्टम इंक्लूड है। 7 चैप्टर और 8 सिस्टम। लेकिन सबसे पहले हमने कौन सा सिस्टम उठाया था? नर्वस सिस्टम, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी टिपिकल लगता है, क्वेश्चन भी काफ़ी इसमें गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे टिपिकल चैप्टर उठाया। वैसे टिपिकल कुछ नहीं होता, वो एक सिर्फ माइंड का फोबिया होता है कि ये टिपिकल है टिपिकल है लोगों से सुनने के बाद में, लेकिन टिपिकल कुछ भी नहीं होता। तो नर्वस सिस्टम में अभी तक 3 लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिए गए, जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें चैप्टर को हमने उसकी जो चैप्टर की सोल है उसको समझने की कोशिश की, उसको टच करने की कोशिश की। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा था? दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें आने वाले जो सेल है उन सेल को देखा था हमने। और जो हमारा तीसरा लेक्चर था, जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को देखा था। और एक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बाद में दिमाग में एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि नर्व सेल और नर्व में क्या डिफरेंस रहता है, तो वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। तो वैसे मैंने एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज में पहले इसको समझा रखा है। अब आज के लेक्चर में आपको मैं पहले क्या कर दूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ एक, कि लेक्चर लंबा होने वाला है। लेक्चर लंबा होने वाला है, उसके साथ साथ में ऐसे मान करके चलो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ही ये होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, फिजियो फंक्शंस कैसे करती है नर्व, या जो न्यूरॉन है नर्व सेल है उसकी फिजियोलॉजी को हम समझने वाले हैं कि वो कैसे इम्पल्स को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है या इम्पल्स का कंडक्शन करती है। तो ये बहुत ही, वैसे तो क्या स्टूडेंट को इसमें समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरे साथ बने रहे पूरे लेक्चर के दौरान। आपको ऐसे नहीं कि आधा लेक्चर देखा बीच में आपको लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा तो आप स्किप कर रहे हो। अगर आप स्किप करोगे तो आपका उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर आप पूरे लेक्चर को अटेंड करोगे ना, तब आखिरी में जाते जाते, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन बीच में केमिस्ट्री भी आ गई, फिजिक्स भी बीच में आ गई, तो ये क्या चल रहा है। लेकिन जब लेक्चर खत्म होगा ना, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होने लगी। तो बिना वक्त गवाए देखो, हम आज का जो टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। लेकिन आपके लिए मैं पहले बता दूं कि ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग में दो टॉपिक है, दो टॉपिक है देखो, जनरेशन एंड कंडक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे न्यूरॉन जो है वो पता है आपको क्या करेगी, सिग्नल्स को क्या करती है, भेजती है ब्रेन तक, भेजती है और ब्रेन से कहाँ तक, अंगों तक लेकर के आती है। तो इसमें देखो दो टॉपिक ये है कि हमको यह समझना है कि बाहर से मान लो कि कोई उद्दीपन दिया गया आपको, स्टिमुलेशन दिया गया, तो जब वो स्टिमुलेशन जब दिया जाएगा तो उसको सेंस करेगी कौन, उसको सेंस करेगी कौन, न्यूरॉन। तो सेंस कर लिया, याद तक तो ठीक ठाक था काम, लेकिन सेंस करने के बाद में उस उद्दीपन के प्रति वो न्यूरॉन एक्टिव कैसे होगी, एक्टिव कैसे होगी, या जिस इम्पल्स का उसे क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है, आगे ट्रांसमिशन करना है या कंडक्शन करना है, वो इम्पल्स इस न्यूरॉन में जनरेट कैसे होगा। कंडक्शन तो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले यह समझना पड़ेगा कि जैसे यह कोई मार्कर जैसे मैंने टच किया ना, तो ये स्टिमुलेशन दे रहा हूं मैं, लेकिन इस स्टिमुलेशन के कारण न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब इम्पल्स जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद में दूसरी हेडिंग हमारी क्या रहेगी, कंडक्शन। मतलब पहले क्या देखना हमको, इम्पल्स का जनरेशन देखना है, मतलब इम्पल्स जनरेट कैसे होगा न्यूरॉन में, और उसके बाद में हमको यह समझना है कि इम्पल्स जनरेट होने के बाद में वो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में कैसे गति करेगा।
समझी बात को। तो उसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले ये पढ़ेंगे कि नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होता है। नर्व इंपल्स एक्चुअल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। तो हमको ये पढ़ना है, ये समझना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझे कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, कि जो नर्व इंपल्स जो जनरेट होता है या इंपल्स का जो कंडक्शन होता है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रोसेस कैसे है समझ में आएगा, आप इत्मीनान बना करके रखें। ठीक है, इसको प्रपोज्ड करने वाले या बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या, कौन थे, हक्सले। कौन से थे, हक्सले। याद नहीं होगा तब भी चलेगा, आपकी सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि एक्सोलेमा क्या होती है, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, मतलब एक्सोन की मेम्ब्रेन क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा। इस पॉइंट का देखो यहाँ पर अभी यूज होगा बार बार, में जब बोलूंगा एक्सोलेमा एक्सोलेमा तब मैंने आप रख दिया। वैसे इसका कोई, इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैकेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, बस बार बार यूज होगा ना यहाँ पर एक्सोलेमा एक्सोलेमा, तब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोलेमा बोलते किसके पहले। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में आप, सेकेंड लेक्चर में आपको बता दें कि एक्सोलेमा बोलते किसके। मैकेनिज्म को समझने के से पहले हमको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि वो कॉन्सेप्ट हम हमारे क्या करेंगे, मैकेनिज्म को इजी करने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये, कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस टॉपिक में, अंत तक मेरे साथ बने रहना है। अगर समझ में ना आए तब आप बताना कमेंट करके, एक बार फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लेक्चर को पूरा अटेंड करेगा ना, तो ये मेरी आपकी से गारंटी है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा। आज तक आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी फोबिया हो, लेकिन इस लेक्चर को पूरा करने के बाद में, जब जो 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा ना, उसको पूरा करने के बाद में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या है, एक जोन है। एक जोन का एक मैंने सेगमेंट आपके सामने बनाई। ठीक है, अब ये एक जोन का ये सेगमेंट यहाँ पर क्यों बनाया समझ में आएगा धीरे धीरे, बस आप जितना बोल रहा हूँ उतना सुनते चले। तो मैंने ये क्या बना दिया कि एक जोन का क्या है, खंड या सेगमेंट है। तो ये एक जोन की क्या है, ऊपर वाली एक्सोलेमा, ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये मैंने एक्सोन को बड़ा करके बनाया ना, तो ये ऊपर वाली एक्सोलेमा, ये नीचे वाली एक्सोलेमा। तो ये क्या है, ये और ये क्या है, एक्सोलेमा। ये वाली और ये वाली क्या है, ये एक्सोलेमा। और एक्सोन के अंदर जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, या इसको आईसीएफ भी बोल सकते हो आप, इंट्रासेलुलर फ्लूड, मतलब कोशिका के अंदर वाला फ्लूड। और जो इस एक्सोन के बाहर होगा उसको बोलेंगे ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, बाह्य कोशिकीय द्रव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो सोडियम की कंसेंट्रेशन आईसीएफ में तो क्या है, कम है, लेकिन ईसीएफ में क्या बता रखी है, ज्यादा दर्शा रखी है। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ईसीएफ में तो क्या होती है, ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से, आईसीएफ में क्या होती है, तुलनात्मक रूप से कम। पोटेशियम आयन जो है उनकी सांद्रता बाहर तो क्या है, कम, लेकिन एक्सोप्लाज्म में या आईसीएफ में क्या है, ज्यादा। अब क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड जो आयन है, उनकी सांद्रता ईसीएफ में तो क्या है, ज्यादा, और आईसीएफ में क्या है, कम। तीनों पॉइंट आपको एचटीज याद रखना है। ये तो तीन बात हुई, उसके बाद में आपको एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और आपको याद रखनी है कि आईसीएफ में क्या प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन पाए जाती है एक्सोप्लाज्म में जिन पर क्या रहता है, ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, ऋणावेश पाया जाएगा। चार पॉइंट आपको याद रखना है, सोडियम आयन की सांद्रता आईसीएफ में क्या, कम,
बाहर क्या ज्यादा। दूसरा पॉइंट ये है, पोटेशियम आयन की सांद्रता बाहर तो क्या है कम, अंदर क्या है ज्यादा। तीसरा पॉइंट ये है कि क्लोराइड जो आयन है उनकी सांद्रता बाहर तो क्या है ज्यादा और अंदर क्या है कम। बाहर तो क्या है ज्यादा और अंदर क्या है कम। और चौथा पॉइंट ये भी है, चौथा पॉइंट ये भी है कि एक्सोप्लाज्म में कुछ नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चार पॉइंट हुए क्लियर। लेकिन आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि ये जो एक्सोलेमा है ना, एक्सोलेमा इस नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन के लिए क्या होती है, अपारगमी। मतलब ये जो ऋणावेशित प्रोटीन है वो बाहर नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, तो प्रोटीन इस झिल्ली को पार करके बाहर नहीं आ सकती। क्लियर? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर दो। कॉन्सेप्ट एक तो आपने समझ लिया, अभी जो मैं बता रहा हूं ना इससे आपकी चीजें एकदम बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। मैंने जो नोट्स आपके लिए जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इजी करके बनाए गए हैं आपके लिए, इससे क्या आपको कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत है ना है, और आपके जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में क्या हो, आसानी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम यह समझने वाले हैं कि ये जो एक्सोन होता ना, और एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोलेमा, एक्सोन की मेम्ब्रेन है जो एक्सोलेमा, वहां पर क्या होगा, आयनों के परिवहन के लिए, अंदर बाहर होने के लिए क्या पाए जाएंगे, एक्सोलेमा पर विशेष प्रकार के क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन्स पाए जाएंगे या चैनल्स पाए जाएंगे। तो उन चैनल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हेडिंग क्या है कि एक्सोलेमा पर भिन्न भिन्न आयनों के परिवहन हेतु निम्न संरचना पाई जाती। तो मैंने ये क्या बना रखा है, एक्सोन का सेगमेंट बना रखा है, ये पूरा पूरा एक्सोन का सेगमेंट है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या एक्सोलेमा, नीचे वाली क्या एक्सोलेमा, अंदर क्या बना हुआ एक्सोप्लाज्म। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस बनाकर रखे, घबराए नहीं बिल्कुल भी, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, टेंशन ना ले। 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लेक्चर पूरा बनेगा ये, इसको एक पूरा टाइम देने की कोशिश करें, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आएगी, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए कि यहां पर जैसे आपने यहां पर देखा, पहले कॉन्सेप्ट में आप यहां पर देखने की कोशिश करें कि सोडियम आयन की सांद्रता बाहर क्या है ज्यादा, अंदर क्या है कम, पोटेशियम आयन की सांद्रता बाहर क्या है कम, अंदर क्या है ज्यादा। तो यहां पर आप देखिए कि एक्सोलेमा पर इन आयनों के परिवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार के चैनल, मैंने आपको जो राउंड राउंड सर्किल में जो दर्शा रखे हैं, उन चैनल्स को बोला जाता है आयन चैनल्स। क्या बोला जाता है उनको, आयन चैनल्स या लीक चैनल्स, आयन चैनल्स या लीक चैनल्स। ये ऐसे चैनल होते हैं जिनसे आयनों का एनी टाइम ये क्या होते हैं, पहली बात तो ऑलवेज ओपन, हमेशा क्या रहेंगे, ये खुले रहेंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये कि हमेशा खुले रहेंगे, और ये यहां से क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पता नहीं है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन क्या कहलाता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जहां पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट, जो क्या करेंगे उन पदार्थ कणों को रास्ता या पथ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है या आयन चैनल्स है जहां से क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और सांद्रता प्रवणता के अनुसार, मतलब अधिक से कम सांद्रता। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि सोडियम आयन बाहर क्या था, ज्यादा था कि नहीं था, सोडियम आयन बाहर क्या था, ज्यादा था। देखो वहां पर पहले कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि सोडियम आयन बाहर क्या था ज्यादा, अंदर क्या था कम। तो ये अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, गमन करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। देखो ये चैनल ऐसे चैनल होते हैं जो ऑलवेज ओपन होते हैं, इनसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती। दूसरी चीज ये भी आप समझने की कोशिश करें
कि पोटेशियम आयन की सांद्रता, पोटेशियम आयन की सांद्रता अंदर क्या थी? ज्यादा। पोटेशियम आयन की सांद्रता अंदर क्या थी? ज्यादा। बाहर क्या थी? कम। तो पोटेशियम आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा? गमन। तो वो अंदर से बाहर की ओर आएगा, अंदर से बाहर की ओर आएगा। तो देखो ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो ये एक प्रकार क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा। ठीक है, सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा, और ये चैनल हमेशा ओपन रहेंगे, ऑलवेज ओपन। तभी तो इनको क्या बोला जा रहा है? लीक चैनल्स। लीक चैनल इनको इसलिए बोला जा रहा है कि इनसे, इन चैनल से क्या होता रहता है? लीक चैनल क्या करते, आयन क्या करते होते रहते हैं? लीक होते रहते हैं। मतलब आयन्स बाहर आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये चैनल ऐसे हैं जो हमेशा ओपन रहेंगे, लेकिन इनसे जो आयनों का परिवहन होगा ना, तो वो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब ये बहुत कम मात्रा में क्यों क्यों होता है? ये यहाँ पर जो मैंने लाइन बोली ना, इसका भी एक रीजन है। आप इस लाइन को याद रखना है, मैंने जो बोला कि यहाँ से परिवहन तो होगा, हमेशा ओपन भी रहेंगे, लेकिन यहाँ से आयनों का एक्सचेंज बहुत कम मात्रा में होता है। इसका लाइन का मीन क्या है, आगे आप भी, आपको समझ में आने वाला है। और इस आयन चैनल्स में आप एक चीज और देखिए कि मैंने पोटेशियम आयन कितने बनाए? तीन बनाए। और सोडियम आयन कितने बनाए? एक ही बनाए। तो यहां पर जो नंबर ऑफ सोडियम आयन है, सोडियम चैनल्स है, उनका नंबर क्या होता है? कम। और नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल क्या होते हैं? ज्यादा। अब आप ऐसे याद मत रख लेना कि पोटेशियम आयन क्या नंबर, पोटेशियम चैनल का नंबर तीन होता है और सोडियम का एक। वो तो मैंने सिर्फ दर्शाने के लिए बताया, एक रेशियो, जिससे आपको पता लगे पोटेशियम का चैनल्स का नंबर क्या है? ज्यादा। सोडियम चैनल्स का नंबर क्या है? कम। ठीक है, आप 3:1 मत कर लेना, समझ लेना उसको। और इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, आयन चैनल या लीक चैनल के द्वारा, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक प्रकार के हमने चैनल्स की बात कर ली। अब दूसरे प्रकार के हम एक चैनल्स की बात करेंगे, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। एक्चुअल में चैनल नहीं बोलेंगे, चैनल किसके लिए यूज किया जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यूज किया। तो सोडियम पोटेशियम पंप, इस परिवहन में क्या होगा? ये एक प्रकार का क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एटीपी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। एटीपी की रिक्वायरमेंट, जब पदार्थ अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते ना, तो उसके दौरान क्या करनी पड़ेगी हमको? एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और इस परिवहन को क्या बोला जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन बोला जाता है। देखिए आप, आपको पता चलेगा कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी, अंदर क्या थी? कम। लेकिन ये प्रोटीन जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो क्या कर रहा है? देखो वो क्या कर रहा है, बाहर खींच खींच करके ला रहा है सोडियम को। सोडियम अंदर पहले ही क्या है? कम है। सोडियम अंदर पहले ही क्या है? कम है। लेकिन अंदर से खींच खींच करके सोडियम को क्या ला रहा है? बाहर ला रहा है। और पोटेशियम जो है, उनकी सांद्रता क्या है? उनकी सांद्रता बाहर क्या है? ज्यादा। और अंदर क्या है? कम। सॉरी, बाहर तो क्या है? कम। और अंदर क्या है? सॉरी, मिस्टेक हो गई, कि पोटेशियम की सांद्रता बाहर तो क्या है? कम। अंदर क्या है? ज्यादा। लेकिन फिर भी ये पोटेशियम को किस तरफ धकेल रहा है? ये पोटेशियम को किस तरफ धकेल रहा है? अंदर की तरफ धकेल रहा है। मतलब देखो, पोटेशियम भी अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव कर रहा है, सोडियम भी अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव कर रहा है। तो इस दौरान क्या होगी? एटीपी खर्च होगी कि नहीं? और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस दौरान दो पोटेशियम को तो क्या होता है? इनफ्लक्स होता है। दो पोटेशियम का तो क्या हो रहा है? इनफ्लक्स, मतलब अंदर की तरफ गमन। और तीन तीन सोडियम का क्या हो रहा है? इफ्लक्स, मतलब बाहर की ओर गमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेट में या AIPMT में ये आ भी चुका है, तो आपको याद रखना है। किसी मॉड्यूल्स में, रेफरेंस बुक्स में, आपको NCERT एग्जाम्पलर्स में ये क्वेश्चन आपको जनरली देखने मिल जाएगा कि तीन सोडियम तो क्या होते हैं? तीन सोडियम तो क्या होते हैं? इफ्लक्स, मतलब बाहर जाते हैं। और दो पोटेशियम का क्या होता है? इनफ्लक्स, मतलब वो क्या होते हैं? अंदर की ओर गमन करते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपके सामने बना करके रख दिए जाएंगे,
तो आपसे ऐसे क्वेश्चन गलत करवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, इसकी एक ट्रिक भी है नोकिया, इसकी एक ट्रिक भी है नोकिया। एन मतलब क्या है यहाँ पर? सोडियम। ओ का मतलब क्या है? आउट मतलब बाहर। के मतलब क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। और आई का मतलब क्या है यहाँ पर? इन। ठीक है, सोडियम का क्या होगा? आउट, मतलब सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। और आपका नंबर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसका सोडियम कितने होंगे? 3, और पोटेशियम कितने होंगे? 2। जो अल्फाबेट में जिसका नंबर ज्यादा है ना, अल्फाबेट में जिसका नंबर ज्यादा है तो उसका परिवहन भी क्या होगा? ज्यादा। और जिसका अल्फाबेट में नंबर कम है तो उसका परिवहन भी क्या होगा? नंबर कम। देखो जो एन एन होता है ना अल्फाबेट में बाद में आता है ना, उसका नंबर ज्यादा है, तो इस कारण ये आप ट्रिक है, ये याद रखने का तरीका। वैसे इसको कॉन्सेप्ट मत समझ लेना कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका हमेशा परिवहन भी ज्यादा ही होगा, तो ये एक प्रकार की ट्रिक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। जो तीसरा प्रकार का यहाँ पर जो चैनल है, तो तीसरा प्रकार का जो चैनल्स है या पथ है जो आयनों के परिवहन में क्या करेगा? सहायता करेगा, उसका नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, देखो नाम से समझो आप, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल्स जनरली क्या होते हैं? बंद रहते हैं। जनरली क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। लेकिन ये खुलेंगे कब? वोल्टेज के एक विशेष मान पर ये क्या होते हैं? खुलते हैं। अदरवाइज क्या रहेंगे? ये बंद रहेंगे। देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज चैनल्स डिपेंड ऑन वोल्टेज स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब वोल्टेज के एक विशेष मान पर क्या होते हैं? खुलते हैं। देखो मैंने दो प्रकार के वोल्टेज गेटेड चैनल बना रखे हैं, जिससे पथ के लास्ट में क्या लग जाता है? चैनल लग जाता है ना, तो उसको आप क्या मानो? फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा उसके द्वारा, वहां पर एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो वही फैसिलिटेड डिफ्यूजन अधिक से कम सांद्रता की ओर गमन, एनर्जी खर्च नहीं होगी। सोडियम की सांद्रता बाहर क्या होती है? ज्यादा। अंदर क्या होती है? कम। तो सोडियम किस तरह मूव कर रहा है? अंदर। पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा बाहर कम, तो पोटेशियम किस ओर मूव कर रहा है? बाहर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन ये जब खुलेंगे ना, हमेशा जब खुलेगा सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, वीजीसी का मतलब क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है? लो वोल्टेज पर खुलता है, और जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या होता है? हाई वोल्टेज पर क्या होता है? ये खुलता है। समझ में आया? ये दो कॉन्सेप्ट आप इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करो, इसको नोट करो, समझो एक बार इसको। अब जब मैं इसकी मैकेनिज्म अभी स्टार्ट जब करूंगा ना, तब बार बार इनका यूज होगा, और इनकी वजह से जो मैकेनिज्म है वो इजी बन जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा जो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट थे, जो मैकेनिज्म को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब मैंने बताया था ना कि ये जो हेडिंग है इसको दो पार्ट में पढ़ना है हमको। एक तो जनरेशन ऑफ इम्पल्स, कि पहले ये देखेंगे कि जो आपने स्टिमुलेशन जो दिया है उस नर्व को, उस स्टिमुलेशन को लेकर के नर्व एक्टिव कैसे होगी, या उसमें इम्पल्स कैसे जनरेट होगा। इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट ही होता है। उसके बाद में देखेंगे कि वो इम्पल्स नर्व के अंदर कंडक्ट कैसे होगा, मतलब गति कैसे करेगा। तो पहले देखो आपने हेडिंग देख रहे होगे आप कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ये जो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो थ्री स्टेप में होता है, थ्री स्टेप में होता है, थ्री स्टेप में होता है। कैसे? कि मान लो कि जब आपको या आपकी बॉडी को कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है, उस टाइम नर्व में कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। मतलब उस टाइम जो नर्व है, सॉरी नर्व बोल रहा हूँ मैं, न्यूरॉन, एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए? न्यूरॉन या नर्व सेल। तो उस टाइम न्यूरॉन्स में कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, कब? जब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया गया। तो उस टाइम न्यूरॉन्स में जो स्टेज रहेगी उसको बोला जाएगा पोलराइजेशन। क्या बोला जाएगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मान लो कि आप नॉर्मल बैठे हो, आपको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है, तब आपके जो नर्व में स्टेज है, या उस टाइम जो नर्व की हालत है, न्यूरॉन या नर्व सेल की जो हालत है,
उस स्टेज को बोला जा रहा है पोलराइजेशन, या उस स्टेज का नाम एक और हो सकता है रेस्टिंग स्टेज, कि उस टाइम जो न्यूरॉन है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, मतलब वही भी वो कोई भी इंपल्स का कंडक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, इसका एक और नाम हो सकता है और शायद ये एग्जाम में आ जाए तो आप इसको गलत भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। पोलराइजेशन को हम एक्साइटेबल स्टेज भी बोल सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, एक्साइटेबल तो तब बोलेंगे ना उसको कि जब उसमें इंपल्स कंडक्ट हो रहा होगा, नहीं, वो तो होती है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेज जिसके अंदर न्यूरॉन क्या हो चुकी है, एक्साइटेड हो चुकी है। लेकिन एक्साइटेबल का मतलब होता है कि वो एक्साइटेड हो सकती है, तो एक्साइटेड कब होगी, जब वो नॉर्मल कंडीशन में होगी, मतलब रेस्टिंग स्टेज में होगी, तभी तो वो एक्साइटेड होगी। तो पोलराइजेशन भी नाम दिया हुआ आ सकता है, एक्साइटेबल स्टेज भी नाम दिया हुआ आ सकता है, या रेस्टिंग स्टेज भी नाम दिया आ सकता है। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या रहेगी, जब आपने जो स्टिमुलेशन दिया उस स्टिमुलेशन को लेकर के नर्व में क्या होगा, नर्व सेल में या न्यूरॉन में क्या होगा, इंपल्स जनरेट होगा। इंपल्स जनरेट होगा मतलब उस दौरान न्यूरॉन क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, तो उस स्टेज को बोला जाएगा डीपोलराइजेशन या एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, एक्साइटेड स्टेज। अब देखिए कि ये मान लो कि ये क्या थी, न्यूरॉन थी, ये न्यूरॉन थी, तो आपने जो भी स्टिमुलेशन जो दिया, ये स्टिमुलेशन इसको दिया, उन स्टिमुलेशन को ये डेंड्रोन किस ओर भेजेंगे, साइटोन की ओर। साइटोन से कहां पर आएंगे, एक्सॉन हिलोक, कहां पर आएंगे, एक्सॉन हिलोक पर आएंगे। देखो आपने कोई भी स्टिमुलेशन जो दिया या बाहर से कोई भी स्टिमुलेशन आया, उन स्टिमुलेशन को लेगी कौन, न्यूरोन, और उन न्यूरोन को किस तरफ भेजा जाएगा, साइटोन की ओर, कहां पर, एक्सॉन हिलोक पर। अब एक्सॉन हिलोक क्या होता है, जहां से एक्सॉन क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी को तो बोला जा रहा है एक्सॉन हिलोक। अब एक्सॉन हिलोक पर क्या होगा, एक्सॉन हिलोक पर या एक्सॉन पर क्या जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होगा, मतलब न्यूरोन क्या हो चुकी है, एक्साइटेड हो चुकी है। अब मान लो कि यहां पर स्टिमुलेशन दिया गया और यहां पर जो न्यूरॉन है वहां पर क्या हो चुका है, इंपल्स जनरेट हो चुका है। अब उस इंपल्स को कहां तक भेजना है, ब्रेन तक भेजना है, फिर ब्रेन एनालिसिस करेगा कि उसका करना क्या है। तो इंपल्स जाएगा कहां पर, न्यूरॉन के थ्रू, कहां पर जाएगा वो, ब्रेन तक जाएगा। तो इंपल्स जो यहां पर जनरेट हुआ है वो गति कहां पर करेगा, न्यूरॉन के अंदर क्या करेगा, वो गति करेगा यहां से ऐसे, गति करता करता क्या होगा, एक्सॉन पर गति करेगा वो। ठीक है, तो पहली बात, जो पहली हेडिंग हम देख रहे हैं कि इंपल्स जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होने के बाद वो एक्सॉन पर क्या करेगा, धीरे धीरे गति करेगा। अब जो ये, जैसे मान लो कि ये जो इंपल्स यहां पर उत्पन्न हुआ, ये क्या इंपल्स यहां पर उत्पन्न हुआ, यहां पर इंपल्स जनरेट हुआ, अब ये इंपल्स कहां पर आ जाएगा, आगे से आएगा, फिर आगे से आएगा, मतलब आगे से गति करता हुआ जाएगा। तो यहां पर जो इंपल्स जनरेट हुआ था वो चला गया कहां पर, आगे। लेकिन ये जो इंपल्स यहां पर जा चुका है ना, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया फिर, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अब पोलराइज, सॉरी डीपोलराइज स्टेट में आ चुका है, मतलब एक्टिव स्टेज में आ चुका है, मतलब एक्साइटेड स्टेज में आ चुका है अगला पार्ट। लेकिन जो पिछले वाला पार्ट था जहां से अब इंपल्स गुजर चुका है, वो कौन सी स्टेज में आ चुका होगा, वापस रेस्टिंग स्टेज में आ चुका होगा, मतलब वापस अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए न्यूरॉन क्या होगी, तैयार हो चुकी होगी। मतलब वो जो पीछे वाला पार्ट है उसमें तीसरी स्टेज कौन सी आएगी, तीसरी स्टेज आएगी रीपोलराइजेशन या री रेस्टिंग स्टेज। समझ में आया, एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूं मैं, कि इंपल्स जनरेट होगा, उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, डीपोलराइजेशन, क्या बोला जाएगा, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इंपल्स जो यहां पर जनरेट हुआ है ना, ये इंपल्स आगे से रन करेगा, अगला वाला पार्ट एक्सॉन का अगला वाला पार्ट क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टेज में आएगा। लेकिन जहां से अब इंपल्स गुजर चुका है ना, वो वापस कौन सी स्टेज में आ चुका होगा, पोलराइजेशन स्टेज में आ चुका होगा, मतलब वापस आ रहा है ना, तो उस तीसरी स्टेज को क्या बोला जाएगा, रीपोलराइजेशन स्टेज या रीरेस्टिंग स्टेज। तो हमको तीनों स्टेज को एक एक करके समझना है।
ठीक है, तीनों स्टेज को एक एक करके हमको समझना है। तो पहले देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पहले समझाने की कोशिश करूंगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को मैंने यहां पर लिख रखा है, फिर इसका अगले वाला पार्ट यहां पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, स्टार्ट हम यहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां पर इसका अगला वाला पोर्शन मैंने लिख रखा है। तो आपको देखो, इसको नोट पहले आप समझ लो, लेकिन आपको नोट कैसे करना है इसको। ये वाला जो पोलराइजेशन वाला जो पार्ट ना, इसको खत्म करने के बाद में इसी के नीचे क्या चलने दो आप, ये वाला पोर्शन नीचे चलने दो। ठीक है, तो आप मैंने जैसे लिखा है ना वैसे आपको नहीं लिखना, मेरे पास तो जगह कम थी इसलिए लिखा है। तो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन कौन सी स्टेज है कि जब न्यूरॉन को कोई भी सिग्नल नहीं दिया जा रहा है, मतलब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है, उस टाइम न्यूरॉन क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में हो। तो पोलराइजेशन मतलब इनएक्टिव स्टेज है। इस दौरान इंपल्स का कंडक्शन न्यूरॉन नहीं कर रही होगी, क्रॉस लगा रखा है मैंने, एक्स नहीं है ये, क्रॉस है, मतलब इस दौरान इंपल्स का कंडक्शन नहीं तो हो रहा होगा और नई जनरेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कि जब आपके न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा है या वो इनएक्टिव स्टेज में है, उस दौरान आपकी न्यूरॉन्स में क्या क्या घटनाएं चल रही है। या ऐसे आप समझो कि ये मान लो कि न्यूरॉन है, जब ये कोई भी स्टिमुलेशन या इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं कर रही है या कंडक्शन नहीं कर रही है, तो इस दौरान इस न्यूरॉन के अंदर क्या क्या घटनाएं चल रही है या क्या क्या प्रोसेस शामिल हो रही है इसमें। तो देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने न्यूरॉन्स का जो एक जोन है, देखो होगा क्या, आप जो स्टिमुलेशन दोगे ना, उन स्टिमुलेशन को लेगा कौन, डेंड्रोन लेंगे, वो उस सिग्नल्स को लेकर के किस तरफ भेजेंगे, साइटोन की तरफ, और साइटोन से वो आएगा कहाँ पर, एक्जोन हिलोक पर, कहाँ पर आएगा, एक्जोन हिलोक पर, और एक्जोन हिलोक से क्या स्टार्ट हो रहा है, एक्जोन, और एक्जोन पर या एक्जोन हिलोक पर फिर क्या जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। तो इम्पल्स जनरेट कहाँ पर होना है, एक्जोन पर होना है। तो मैंने यहाँ पर ये जो सेगमेंट बना रखा है ना, ये सेगमेंट किसका है, एक्जोन का है, और ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्या, एक्जोन लेमा है, और ये अंदर क्या भरा हुआ, इसके एक्जो प्लाज्म भरा हुआ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट सेकंड जो बताया और जो फर्स्ट बताया, उसमें मैंने क्या बताया कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी ज्यादा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर क्या होगी ज्यादा, सोडियम के चैनल क्या होंगे, कौन से सोडियम के चैनल, कौन से लीक चैनल नंबर में कम होते हैं, पोटेशियम के लीक चैनल क्या होते हैं, ज्यादा। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इसकी जो आउटर सरफेस है, एक्सोलेमा की जो आउटर सरफेस है वो देखो कैसे दिख रही है, उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ भी बाहर क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्ज, देखो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है या जो न्यूरॉन है वो इनएक्टिव स्टेज में है, उस दौरान एक्जोन के बाहर की तरफ तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक्जोन के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होगी कि बाहर तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो इसके देखो आपको अभी जवाब मिलने वाले हैं, इसके जवाब देखो आप क्या है कि आपको देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है कि पोटेशियम बाहर की ओर क्या डिफ्यूज हो रहा है, पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर की ओर डिफ्यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सोलेमा पर क्या पाए जाते हैं, सोडियम की और पोटेशियम के लीक चैनल पाए जाते हैं, आयन चैनल्स पाए जाते हैं, और उसके नीचे लिखाया था कि नहीं थोड़ी देर पहले, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन रहते कौन, लीक चैनल्स, और पोटेशियम वाले चैनल क्या थे, संख्या में ज्यादा, सोडियम के चैनल संख्या में क्या थे, बहुत ही कम। अब पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो पोटेशियम किस ओर डिफ्यूज होगा, बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा, समझे बात को। अब सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा अंदर क्या कम, तो सोडियम किस ओर डिफ्यूज होगा, अंदर की ओर डिफ्यूज होगा,
लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कि पोटेशियम के जो लीक चैनल है उनका नंबर कितना है, मान लो कि आप मान सकते हो कि 1000, कितने मान सकते हो आप 1000, तो एक टाइम में बाहर कितने पोटेशियम डिफ्यूज होंगे 1000, 1000 एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम। और ऐसे मान लो कि सोडियम के लीक चैनल संख्या में कितने हैं, सिर्फ 5, संख्या में सिर्फ कितने हैं 5, बहुत ही कम है ना, तो 5 लिए मैंने। अब एक टाइम में एक जोलेमा के अंदर कितने सोडियम डिफ्यूज होंगे, 5, तो देखो बाहर कितने पोटेशियम जा रहे हैं 1000, अंदर कितने सोडियम आ रहे हैं 5 संख्या में, तो हम जो 5 आ रहे हैं उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पर सोडियम के जो चैनल्स है लीक चैनल है उनका नंबर बहुत ही क्या है, कम है, तो सोडियम आए तो आएगा सही, अंदर तो आएगा, लेकिन वहां पर सोडियम का जो चैनल्स का नंबर है वो संख्या में बहुत ही क्या है, कम है, लेकिन पोटेशियम के चैनल्स का नंबर बहुत ही क्या है, ज्यादा। इस दौरान पोटेशियम अत्यधिक संख्या में बाहर जाएगा, सोडियम बहुत अत्यधिक संख्या में क्या आएगा, कम अंदर आएगा। तो देखिए यहां पर मैंने सिर्फ पोटेशियम का डिफ्यूजन सिर्फ बाहर दिखा रखा है, सोडियम का डिफ्यूजन बाहर नहीं दिखा रखा, क्यों, क्योंकि सोडियम के जो चैनल्स है वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो पोटेशियम गया बाहर, पोटेशियम आयन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो लेमा की आउटर सरफेस तो पॉजिटिव क्यों है और इनर सरफेस नेगेटिव क्यों है, तो उसका पहला रीजन तो आप यहां पर देखिए कि पोटेशियम किस ओर डिफ्यूज हो रहा है, बाहर डिफ्यूज हो रहा है, और बहुत ही सोडियम की तुलना में अधिक संख्या में हो रहा है डिफ्यूज, तो पोटेशियम आयन पर चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो जब पोटेशियम आयन बाहर की ओर डिफ्यूज होगा ना तो मेम्ब्रेन की ओर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, समझे बात। तो मैंने देखो यहां पर लिख भी रखा है, और एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट है ना यही बहुत सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है एनसीईआरटी का, इस टॉपिक का, समझिए क्या, कि एक्सोलेमा इज परमिएबल फॉर, एक्सोलेमा इज परमिएबल फॉर, क्या लिखा रखा है मैंने, पोटेशियम के लिए तो क्या ये ज्यादा परमिएबल है, सोडियम के लिए क्या है कम परमिएबल है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है कि पोटेशियम के लिए तो क्या होती है पोलीराइजेशन स्टेट में पोटेशियम के लिए एक्सोलेमा क्या होती है परमिएबल होती है, लेकिन सोडियम के लिए क्या होती है वो इम्परमिएबल होती है, तो ये इम्परमिएबल क्यों लिख रखा है, और मैंने भी यहाँ पर इम्परमिएबल क्यों लिखा, अभी तो मैंने बताया ना कि सोडियम चैनल्स का नंबर बहुत ही क्या है, कम है, और पोटेशियम चैनल्स का नंबर लीक चैनल्स का नंबर तुलनात्मक रूप से क्या है, बहुत ही ज्यादा सोडियम की तुलना में, इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए तो क्या है पारगम्य, और सोडियम के लिए क्या वो अपारगम्य, अगर ऐसे आ जाए ना कि सोडियम के लिए कम पारगम्य होती है तब भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ रहा है ना ऑप्शन में कि सोडियम के लिए अपारगम्य तब भी क्या वो करेक्ट ऑप्शन ही होगा, समझ की बात को, तो एनसीईआरटी में ये क्यों लिख रखा है कि सोडियम के लिए अपारगम्य होती है, तो समझ में आया, लीक चैनल तो ऑलवेज ओपन रहते हैं, लीक चैनल तो ऑलवेज ओपन रहेंगे, और लीक चैनल से सोडियम भी लीक होता रहेगा, और तो जो एक्सोलेमा है वो सोडियम के लिए तो क्या होनी चाहिए थी पारगम्य होनी चाहिए थी, लेकिन अपारगम्य क्यों लिखा, उसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वहां पर सोडियम चैनल्स का नंबर ही बहुत क्या है कम। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बार बार एक ही चीज को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, और मैं इतना धीरे धीरे आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया कि जो टॉपिक है इसमें अगर हम ज्यादा थोड़ा सा भी क्या करेंगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, कोई भी एक भी टॉप पॉइंट छोड़ दूंगा ना तो वो पूरे पूरे टॉपिक को क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, पूरे पूरे आपका जो 1.5 घंटे का लेक्चर उसको भी क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, और वही बात कि फिर आप एक बार फिर आप डायलॉग बोलोगे कि मेरे तो इस बार भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लिखा रहा हूं कम लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आए, समझी बात को, तो इत्मीनान से बैठे रहे कहीं पर भी बीच बीच में जाकर के बार बार उठे नहीं, ना तो आपको बीच में चाय पीने जाना है ना खाना खाने जाना है, ऐसे नहीं करना, बार बार बोलता हूँ ना मैं कि आप इन लेक्चर्स को ऑफलाइन क्लासेज मान करके चले, ठीक है, सिंसियरिटी बनाए रखे क्लास में, ऑनलाइन जो क्लास है वहां पर आप सिंसियरिटी बनाए रखे, तो इस लाइन का मीन आपको समझ में आएगा कि एक्सोलेमा परमिएबल फॉर, पोटेशियम के लिए ज्यादा सोडियम के लिए कम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेशियम के लिए तो क्या है पारगम्य परमिएबल,
और सोडियम के लिए क्या है, वो इम्परमिएबल। समझ में आया? तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का एक कारण तो हमने देख लिया कि पोटेशियम बाहर डिफ्यूज हो रहा है, इस कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, इसी से काम नहीं चलेगा। तीन पॉइंट और जो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, तीन पॉइंट क्या कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट में अगर आप जाकर के देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि क्लोराइड आयन की सांद्रता बाहर क्या होती है ज्यादा, अंदर क्या होती है कम। तो क्लोराइड आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लोराइड देखो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अंदर एंटर कर रहा है, तो बाहर से नेगेटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज था पहले। मतलब पहले जो ये देखो ये एक जुलेमा है, यहां पर एक क्लोराइड आयन था मतलब एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये अंदर एंटर करेगा ना तो यहां से ऊपर, यहां से एक जुलेमा के बाहर से नेगेटिव चार्ज हट रहा है, मतलब वहां पर क्या डेवलप हो रहा होगा, उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। मतलब जहां से नेगेटिव जाएगा वहां पर आएगा क्या, पॉजिटिव ही आएगा। तो दूसरा कारण ये हुआ कि क्लोराइड क्या होता है, अंदर एंटर करता है, अंदर एंटर करेगा तो अंदर की ओर -1 चार्ज, बाहर की ओर +1 चार्ज। ठीक है, अब आप फिजिक्स में अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि उसकी यूनिट क्या होगी, मैं आपको यहां पर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको समझाने के लिए -1 चार्ज +1 चार्ज ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इसको ऐसे नहीं कि ऐसा तो होता ही नहीं कि -1 +1। तो अंदर -1 क्लोरीन आयन एक अंदर गया तो बाहर एक माइनस चार्ज बढ़ेगा, बाहर सॉरी बाहर एक प्लस चार्ज बढ़ेगा, अंदर एक माइनस चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो दो कारण हो गए। तीसरा कारण एक और देखो आप, तीसरा कारण एक और, बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का। तीसरा कारण एक और आप देखिए कि अंदर क्या भरी रहती है, नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। लेकिन मैंने बताया ना कि ये नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन बाहर नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती क्योंकि इसके लिए एक जोलेमा क्या होगी, इम्परमिएबल। तो इनके कारण नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन के कारण अंदर क्या चार्ज डेवलप हो रहा होगा, नेगेटिव, तो बाहर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव तो डेवलप होगा बाहर, अंदर अगर नेगेटिव बढ़ रहा है तो बाहर पॉजिटिव बढ़ेगा। तीन कारण देख लिए, ठीक है। चौथा एक और कारण देखिए कि इस दौरान पोलराइजेशन स्टेज स्टेज के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप क्या रहता है, एक्टिव रहता है। वो क्या करता है कि तीन सोडियम को तो क्या फेंकता है बाहर, तीन सोडियम को क्या फेंकता है बाहर फेंकता है, और दो पोटेशियम को अंदर लेकर के आता है। कैसे, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध। तो देखो अंदर कितने पोटेशियम आए, बाहर से दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, लेकिन बाहर गया कितना, +3। बाहर जा रहा है कितना, +3, लेकिन बाहर से अंदर आ कितना रहा है, +2। मतलब अंदर बाहर से +2 अंदर आया, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए 3 प्लस चार्ज कहां पर चले गए, बाहर। मतलब तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है ना बाहर की तरफ, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है ना बाहर की तरफ। जब सोडियम पोटेशियम पंप एक बार काम कर रहा है ना, एक बार काम कर रहा है, तो वो तीन सोडियम को बाहर भेज रहा है, दो पोटेशियम को अंदर। तो देखा जाए ना तो ओवरऑल चार्ज बाहर की तरफ कितना बढ़ रहा है, +1 चार्ज, और अंदर की ओर कितना बढ़ेगा, -1 चार्ज। तो इन चारों रीजंस के कारण एक्सोलेमा की आउटर सरफेस तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और इनर सरफेस कैसी होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं। तो ये स्टेज, ये घटनाएं आपकी न्यूरॉन्स में कब प्रेजेंट रहती है, जब आपकी न्यूरॉन्स में उसको कोई भी स्टिमुलेशन या उद्दीपन नहीं दिया जा रहा है, तब आपके न्यूरॉन की ये कंडीशन है कि बाहर तो उसके कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। उसके कारण क्या है, उसके चार कारण है तो मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिए, एक कारण तो यहां पर देख लिया। अब इसको नोट करने के बाद में पोलराइजेशन स्टेज स्टेज का अगला पार्ट देखो, मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। तो ये वाला पोर्शन जो है ना उस पोलराइजेशन स्टेज के नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो पोलराइजेशन का अगला देखो पॉइंट है कि इसमें सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ओपन होता है। देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ओपन।
जिसके दौरान करेगा वो क्या, तीन सोडियम का तो इफ्लक्स और दो पोटेशियम का इनफ्लक्स, इस कारण ओवरऑल बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और आगे देखिए आप, एंड एक्जोलेमा इज आल्सो परमिएबल फॉर क्लोराइड आयन। देखो क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है कि नहीं, आल्सो परमिएबल फॉर क्लोराइड आयन। अगला पॉइंट देखिए, मैंने आपको वहां पर समझा दिए, ये सिर्फ आपको नोट्स के रूम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगला पॉइंट देखिए, एंड एंड इम्परमिएबल फॉर, इम्परमिएबल परमिएबल नहीं, इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। तो पॉइंट कितने, एक पॉइंट तो ये एक्जोलेमाइड परमिएबल फॉर सोडियम के लिए कम, पोटेशियम के लिए ज्यादा। दूसरा पॉइंट सोडियम पोटेशियम पंप वाला। तीसरा पॉइंट कौन सा, क्लोराइड आयन वाला। चौथा पॉइंट कौन सा, वही नेगेटिव चार्ज प्रोटीन वाला। इन चारों के कारण हुआ क्या, एक्जोलेमा की आउटर सरफेस कैसे हुई पॉजिटिव, इनर सरफेस कैसे हुई नेगेटिव, हुई कि नहीं हुई, समझे बात को। अब हुई तो बाहर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, अंदर कौन सा चार्ज नेगेटिव, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं, अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, नेगेटिव वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, बाहर कौन सा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। तो इस दौरान उत्पन्न विभव, देखो एक्जोलेमा के अंदर को वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जब आप उसको मेजर करोगे ना, तो उस विभव का मान कितना आएगा, उस विभव का मान आएगा -70 मिली वोल्ट। कितना आएगा, -70 मिली वोल्ट, किस तरफ, अंदर की तरफ, -70 मिली वोल्ट। लेकिन उस वोल्टेज को क्या बोला जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कौन सा वोल्टेज पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि वो किस स्टेज के दौरान उत्पन्न हुआ है, रेस्टिंग स्टेज के दौरान। तो देखिए इस दौरान उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, आरएमपी, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हिंदी में बोले तो विराम कला विभव, जिसकी वैल्यू कितनी बता रखी है, +70 मिली वोल्ट। ठीक है, +70 मिली वोल्ट। अब अगर आपसे, ये तो मैंने आपको अंदर का बताया, अगर बाय चांस आपसे एग्जाम में बाहर का पूछ ले, तो अंदर -70 है तो बाहर कितना होगा, +70, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि ये जो वोल्टेज का अंतर आया है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसको डेवलप करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने आपको फैक्टर कितने बताए, चार फैक्टर बताए, चार फैक्टर बताए। लेकिन अगर आपसे मेनली पूछ ले, तो आपको मेनली क्या टिक करके आना है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्यों, क्योंकि लीक चैनल के द्वारा, तो मैंने बताया ना एक पॉइंट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था ना कि इसको आपको याद रखना है, काम आएगा, कि लीक चैनल के द्वारा आयन का एक्सचेंज होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। और क्लोराइड आयन क्या है, इनका एक्सचेंज भी बहुत कम होता है, नेगेटिव प्रोटीन भी क्या होती है, बहुत कम संख्या में। तो फिर मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम पोटेशियम पंप, समझ में आया। तो ये आपकी रेस्टिंग स्टेज के दौरान आपकी न्यूरॉन्स के अंदर की और बाहर की कंडीशन। तो ये कौन सी स्टेज थी, पोलराइजेशन स्टेज। कभी की बात है ये, जब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है न्यूरॉन्स को। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि जैसे मैं, किसी ने मेरे यहाँ पर मार्कर टच किया, या हाथ टच किया, अंगुली टच की, तो जैसे ही वो टच करेगा तो मेरे को पता लगेगा कि नहीं कि किसी ने टच किया, तो पता ऐसे नहीं लगेगा। देखो उसमें दो घटनाएं शामिल होगी, घटनाएं कितनी शामिल होगी, दो। पहले तो जैसे कोई टच करेगा, स्टिमुलेशन देगा, तो इस स्टिमुलेशन के कारण, इस स्टिमुलेशन के कारण मेरी न्यूरॉन्स में क्या होगा, इंपल्स जनरेट होगा। तो अभी तो हमने कौन सी स्टेज देखी, सिर्फ पोलराइजेशन स्टेज देखी, मतलब अभी तक तो वही देखा है कि जब तक स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है तब क्या हो रहा है न्यूरॉन में। लेकिन अब हम ये देखेंगे, जब स्टिमुलेशन दिया जाएगा ना, तो क्या जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होगा, लेकिन वो होगा कैसे। तो हम इस स्टेज में, अगली जो स्टेज है डीपोलराइजेशन, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब स्टिमुलेशन दिया जाएगा तो न्यूरॉन्स में के एक्सॉन्स में स्टिमुलेशन, ये इंपल्स जनरेट कैसे होगा।
ठीक है। तो दूसरे स्टेज की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन क्या है? एक एक्टिव स्टेज जिसके दौरान इंपल्स का कंडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। एक्टिव स्टेज मतलब जिस दौरान इंपल्स का कंडक्शन हो रहा होगा। तो हुआ क्या इस दौरान, देखो आप अगर डायग्राम आपके सामने जो एक जोन का डायग्राम दिख रहा है उसको आप अगर ध्यान से देखोगे, तो एक जोन लेमा के बाहर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, इस तरफ भी नेगेटिव, लेकिन एक जोन लेमा के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जब इंपल्स जनरेट होगा ना, तो आपके एक जोन की कंडीशन ये है, या जब ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी तभी ऐसे मान करके चलो कि न्यूरॉन्स में क्या जनरेट हो चुका है, इंपल्स जनरेट हो चुका है। समझ के बात, कि बाहर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, अंदर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब वही बात कि जैसे वहां पर मैंने आपको समझाया था कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव के कारण कितने थे? चार। वैसे यहां पर भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि बाहर पॉजिटिव, सॉरी बाहर नेगेटिव का और अंदर पॉजिटिव होने का कारण क्या है। तो देखिए आप, कारण मैं आपको बताता हूं कि ये जो देखो आपको कैसे नोट करना है कि डीपोलराइजेशन ये हो गया, उसके नीचे आपको फिर ये नोट करना है, ठीक है। अब सॉरी पोलराइजेशन वो, फिर उसके बाद में फिर ये पोलराइजेशन ये वाला पार्ट। अब ये डीपोलराइजेशन आप जो समझोगे, तो ये खत्म करने के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा डीपोलराइजेशन, तो ये उसके नीचे नोट करना है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस के रूप में जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आए, फिर रिपोलराइजेशन को हम अलग से समझेंगे। तो इसके कारण क्या है कि बाहर तो ऐसा क्या हुआ कि वहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और अंदर क्या हुआ कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखिए समझने की कोशिश करें आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हुआ कि बाहर तो कौन सा चार्ज हो गया, बाहर तो कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव, और अंदर कौन सा? पॉजिटिव। तो जैसे स्टिमुलेशन दिया जाएगा, जैसे स्टिमुलेशन दिया जाएगा, और उन स्टिमुलेशन को लेगी कौन? न्यूरॉन्स लेगी। तो वहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या ओपन हो जाएंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल। नाम सुना है? थोड़ी देर पहले सुनना, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल भी कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? सोडियम वाले और पोटेशियम वाले। अब आपको ऐसा लगेगा कि कौन से ओपन होने चाहिए, ओपन कौन से होने चाहिए? आप थोड़ी देर एक मिनट सोचिए कि वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन तो होंगे, लेकिन कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, या आप ये आंसर दोगे, जैसे आपको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा है वोल्टेज गेटेड चैनल में कि सोडियम वीजीसी लो पोटेंशियल पर खुलते हैं और पोटेशियम वीजीसी हाई पोटेंशियल पर खुलते हैं। तो इस दौरान जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, उस दौरान पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। तो मतलब ये लो पोटेंशियल ही तो ये, लो पोटेंशियल ही तो ये। तो जब स्टिमुलेशन दिया जाएगा, जब स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, तब न्यूरॉन्स के अंदर पोटेंशियल कितना? -70 मिली वोल्ट। तो कौन से खुलने चाहिए? कौन से खुलने चाहिए? सोडियम वाले खुलने चाहिए, क्योंकि सोडियम वीजीसी लो पोटेंशियल पर खुलते हैं। तो जैसे आप स्टिमुलेशन दोगे, तो कौन से वीजीसी खुल जाएंगे? सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे और पोटेशियम वीजीसी नहीं खुलेंगे। तो इस दौरान होगा क्या, मैं ये कारण समझाने जा रहा हूं कि आपको बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों है और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो देखो जैसे स्टिमुलेशन दिया गया, तो सोडियम देखो अंदर एंटर करना शुरू हो गया कि नहीं, क्योंकि सोडियम वीजीसी ओपन हो चुके, सोडियम वीजीसी ओपन हो चुके, पोटेशियम वीजीसी ओपन नहीं है, ठीक है। अब एक कारण तो ये हुआ कि अंदर पॉजिटिव चार्ज या अंदर सोडियम चार्ज जा रहा है, तो बाहर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा? नेगेटिव चार्ज। अंदर अगर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो बाहर कौन सा डेवलप हो रहा होगा? नेगेटिव डेवलप हो रहा होगा। तो बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, इसका पहला कारण तो क्या है? पहला कारण तो ये है कि जैसे स्टिमुलेशन दोगे, तो कौन खुल जाएगा? सोडियम वीजीसी खुलेंगे, और एकदम से बल्क के पावर
बल्क का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बल्क के साथ सोडियम अंदर एंटर करेंगे, इस कारण अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो पहला कारण तो ये देख लिया। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन एनसीईआरटी की, जो देखो मैं आपको समझाने जाऊं कि एक्सोलेमा परमिएबल फोर, एक्सोलेमा इज परमिएबल फोर, सोडियम के लिए तो ज्यादा और पोटेशियम के लिए कम। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेशियम के लिए तो लगभग क्या इम्परमिएबल मान लो, और सोडियम के लिए क्या मान लो परमिएबल। क्यों? क्योंकि सोडियम VGCS क्या है ओपन, और पोटेशियम VGCS क्या है क्लोज। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि आपने ये जो लाइन बोली है ना, ये जो लाइन बोली वो तो किसके बेस पर बोली है, वो तो वोल्टेज गेटेड चैनल के बेस पर बोली है कि सोडियम के लिए तो क्या है परमिएबल, पोटेशियम के लिए क्या है इम्परमिएबल। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो लीक चैनल होते हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं, तो बोले हाँ ठीक है, और लीक चैनल के द्वारा तो पोटेशियम ज्यादा क्या होता है बाहर की तरफ एंटर करता है, और सोडियम तुलनात्मक रूप से बहुत कम मात्रा में क्या होता है अंदर जाता है। तो आप यहां पर, फिर वहां पर तो आपने बात बताई किसके आधार पर, लीक चैनल के आधार पर, यहां पर VGC के आधार पर क्यों बता रहे हो? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि लीक चैनल के द्वारा बहुत कम मात्रा में क्या होता है विसरण, और VGCS के द्वारा बल्क के साथ क्या होता है विसरण। सीधी सी बात है, अगर एक तरफ से तो एक हाथ से मैं आपको 1,000 रुपये दूं, दूसरे हाथ से आपको 10 रुपये दूं, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू 1,000 रुपये की ज्यादा है। अब 1,000 तो दे नहीं सकता, 1,000 का नोट ही आना क्या हो गया, बंद हो गया, दो ही दे सकता हूं। तो एक हाथ से 2 दूं और एक हाथ से 10 रुपये दूं, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? 1,000 की है। तो हाँ ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो बल्क के साथ हो रहा है, तो सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर एंटर कर रहा है। VGCS के द्वारा जो वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा जब विसरण होगा ना, तो बहुत अधिक संख्या में सोडियम एक साथ एंटर करेगा। मान लो कि लाख सोडियम के आयन के अणु अंदर आएंगे ना, तो 1,000 पोटेशियम बाहर जाएंगे लीक चैनल के द्वारा, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं वहां पर। तो डोमिनेंट कौन है यहाँ पर? VGCS है। तो यहाँ पर किसके आधार पर बात करें? VGCS के आधार पर बात कर रहे हैं। वहां पर तो VGCS जो बंद ही थे, तो वहां पर VGCS की बात क्या करेंगे, वहां पर तो लीक चैनल के आधार पर ही बात करेंगे हम। समझ में आया? तो एक कारण तो ये हो गया कि सोडियम अंदर आ चुका है। दूसरा कारण एक और देखिए आप, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव होने का दूसरा कारण सॉरी पानी पानी देखिए कि एक कारण तो मैंने बता दिया कि सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, लाइए ठीक है, थोड़ा सा खेद है, मैंने डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रहण कर लिया है, क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है ना, तो नहीं ग्रहण करेंगे तब तक मेटाबॉलिज्म रुक सकती है मेरी। तो देखिए आप कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर नेगेटिव क्यों अंदर पॉजिटिव क्यों। तो एक कारण तो आपने समझ लिया, सोडियम VGCS ओपन हुआ, सोडियम बल्क के साथ अंदर एंटर हुआ, घचा, समझ में आया। दूसरा कारण देखिए आप कि पहले काम कौन कर रहा था इस स्टेज के दौरान, पोलराइजेशन स्टेज के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप क्या था? एक्टिव। सोडियम पोटेशियम पंप पे एक्टिव था, तो उसके दौरान ज्यादा सोडियम बाहर जा रहा था, कम पोटेशियम अंदर आ रहा था, तो ओवरऑल बाहर क्या डेवलप हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन जैसे इस स्टिमुलेशन दिया गया, तो डीपोलराइजेशन स्टेज के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया? क्लोज हो गया। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हुआ, तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझे बात?
तो इन दोनों प्रोसेस के कारण अंदर तो क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव, बाहर क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव। समझ गई बात? तो इसको नोट करने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ये आ गया यहाँ पर डीपोलराइजेशन की जो अगली स्टेज है या अगला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर समझने की आप कोशिश करें कि वही पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या क्लोज। तो ओवरऑल हुआ क्या, एक्सोलेमा की आउटर सरफेस कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज, इनर सरफेस कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब इस दौरान अगर आप एक्सोलेमा, ये तो पता है कि एक्सोलेमा के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब अगर आप उसको मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज कितना निकल करके आएगा, +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट निकल करके आएगा। और उस पोटेंशियल को, उस वोल्टेज को क्या बोला जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि वो किस दौरान डेवलप हुआ है, जब आपको, आपने क्या दे रखा है, स्टिमुलेशन दे रखा है। तो इस दौरान उत्पन्न विभव, इस दौरान उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है, या उसको आप स्पाइकी बोल सकते हो, या यही क्या है, यही नर्व इंपल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है ना, कब, जैसे ही आपने स्टिमुलेशन दिया, तो यही क्या है, नर्व इंपल्स है। और नर्व इंपल्स कुछ नहीं, यही क्या है, नर्व इंपल्स कहलाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब जैसे वहां पर देखा था कि अंदर कितना चार्ज था, +70 मिली वोल्ट, उसके लिए चार फैक्टर थे, लेकिन मेन फैक्टर कौन सा बताया था हमने, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन यहां पर मेन फैक्टर कौन सा होता है, मुख्यतः कौन सा होता है, सोडियम बेसिस क्या होते हैं इसके लिए जिम्मेदार। ये जो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, वो सोडियम के बंद होने के कारण भी हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने के कारण भी हुआ है, सोडियम वीजीसी ओपन होने के कारण भी हुआ है। लेकिन मेनली किस कारण हुआ है, वो सोडियम वीजीसी के ओपन होने के कारण, क्योंकि सोडियम वीजीसी के कारण बल्कि के साथ सोडियम अंदर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये दोनों प्रोसेस हमने समझ ली, और ये भी हमने समझ लिया कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। नर्व इम्पल्स जनरेट ये ऐसे होता है कि अंदर तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, या एक्शन पोटेंशियल है क्या, नर्व इंपल्स। समझे बात को? अब मैं थोड़ा सा आपको बात बताने की कोशिश और करूं। जब पहले आप करो क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम आगे इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अगली वाली जो स्टेज है रिपोलराइजेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कैसे लिखना है आपको, डिफरेंस के रूप में लिखना है इसको। कॉपी के एक तरफ आपको क्या लिखना है, पोलराइजेशन, दूसरी तरफ क्या लिखना है, डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ये लिखो, उसके बाद में उसके पोलराइजेशन के नीचे ये लिखो, फिर कॉफी के दूसरी तरफ आपको डीपोलराइजेशन स्टेज में ये लिखना है, और उसी के नीचे फिर आप क्या चलने दो, ये वाला पोर्शन चलने दो। तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर आगे मैं आप एक बार पुनः आपके सामने प्रकट होता हूँ। तो देखिए, आपने दोनों जो स्टेज है, पहली कौन सी थी पोलराइज्ड स्टेट और दूसरी कौन सी थी डीपोलराइज्ड स्टेट। वैसे तो देखिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं कि डी का मतलब होता है शून्य, जैसे डिहाइड्रेशन आपने सुना, हाइड्रेशन मतलब जल, और डी का मतलब क्या, निकलना। तो जो -70 मिली वोल्ट जो वैल्यू थी ना, वो जब जीरो पर आ जाती है तब उसको बोला जाता है क्या, डी तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में किसके लिए इस्तेमाल कर रखा है, +30 के लिए इस्तेमाल करना का ना, तो आपको +30 टिक करके आना। एक्स्ट्रा नॉलेज किसी को बांटना नहीं है, एग्जामिनर को तो खास करके बांटना नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर सेट करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की जरूरत ना करें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दिया। ठीक है, वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, जो तीसरी स्टेज है रिपोलराइजेशन, कौन सी स्टेज है तीसरी, अभी रिपोलराइजेशन क्या है, देखिए पहले तो आप समझने की कोशिश करें कि ये है क्या एक्चुअल में। मान लो कि ये न्यूरॉन थी, ये
शक्ल इसकी थोड़ी सी बुरी है इसकी न्यूरॉन की, लेकिन चल जाएगा काम इसका। ये क्या है, न्यूरॉन थी। तो यहाँ से स्टिमुलेशन इसको दिया गया, स्टिमुलेशन यहाँ से आया, ये स्टिमुलेशन लिया, और इन स्टिमुलेशन को लेकर के ये डेंड्रोन किस तरह भेजेंगे, एक जोन हिलोक पर, एक जोन हिलोक को ट्रिगर जोन के ऊपर लगाता है, कि ट्रिगर समझते हो ना, जहाँ से क्या फायर करने का जो पॉइंट होता है उसी को तो ट्रिगर बोला जाता है। तो जो इम्पल्स से जनरेट हो रहा है वो कहाँ से होता है, एक जोन हिलोक से होता है, इस कारण उसको क्या बोला जा रहा है, ट्रिगर जोन बोला जा रहा है। तो ये ट्रिगर जोन पर आकर के, या एक जोन हिलोक पर आकर के, या ऐसे मान लो एक जोन का इनिशियल पार्ट, वहां पर क्या जनरेट, वहां पर क्या जनरेट हुआ, ये इंपल्स क्या हुआ, जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एक्शन जो पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है, या जो इंपल्स जनरेट हुआ है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, हमको ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ये इंपल्स यहां से आ चुका, मान लो कि यहां पर एक जोन के इस पार्ट पर आ चुका है। अब इस पार्ट पर क्या जनरेट हो चुका है, यहां पर क्या जनरेट हो चुका है, यहां पर इंपल्स जनरेट हो चुका है। लेकिन यहां का इंपल्स यहां पर जा चुका है ना, यहां पर जो इंपल्स जनरेट हुआ था वो यहां पर जा चुका है। अब वो कैसे जाएगा, अगले लेक्चर में हम यही देखेंगे कैसे आगे कंडक्ट होगा वो इंपल्स। तो ये वाला इंपल्स तो चला गया यहां पर, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो सेगमेंट है, पीछे वाला जो सेगमेंट, वहां पर शुरुआत में जहां पर इंपल्स जनरेट हुआ था, वहां से इंपल्स जा चुका है, लेकिन जाने के बाद में वो पार्ट वापस रेस्टिंग स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा, जो इंपल्स वहां पर जनरेट हुआ था वो आगे चला गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज में आ गया वापस, जैसा पहले था, जैसा शुरुआत में था जब स्टिमुलेशन नहीं दिया गया था, तो वैसी कंडीशन में आ चुका है। अब मतलब ये वाला जो पार्ट है वापस अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। समझे, रिपोलराइज स्टेट क्या है, इंपल्स जो जनरेट हुआ है वो आगे चला गया, अब ये पिछले वाला पार्ट वापस क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज में आ गया जैसा पहले था। तो यही क्या है, रिपोलराइजेशन। जब तो इसका नाम क्या है, रिपोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन स्टेज वापस आ गई, अभी अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी। तो समझने की कोशिश करें। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब 70 मिली वोल्ट वोल्टेज था, तब वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, कम थी, तब कौन ओपन होने चाहिए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने चाहिए थे कि नहीं, क्योंकि वो लो पोटेंशियल पर खुलते हैं। अब -70 से वोल्टेज बढ़ रहा है +30 की ओर, प्लस की ओर जा रहा है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सोडियम वीजीसी कम वोल्टेज पर खुलते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज +30 पर जाएगा तो वैसे ही सोडियम वीजीसी क्या हो गया, बंद हो गए। लेकिन जैसे वोल्टेज बढ़ता है ना, तो हाई वोल्टेज पर कौन खुल जाता है, पोटेशियम वीजीसी खुल जाता है कि नहीं खुल जाता। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि ये एक जोन का वो सेगमेंट था, तो जो सोडियम अंदर से बाहर आ रहे थे, जो सोडियम पहले अंदर से बाहर आ रहे थे, ये सोडियम, वोल्टेज बढ़ने के कारण तीसरी जो स्टेज है ना, रिपोलराइजेशन, जैसे वोल्टेज बढ़ा डीपोलराइजेशन स्टेट आई, तो डीपोलराइजेशन के लास्ट तक आते आते, डीपोलराइजेशन के लास्ट तक आते आते विभव कितना हो चुका होगा, +30 वोल्ट हो चुका होगा। तो वैसे ही सोडियम वीजीसी क्या हो जाएंगे, बंद, जिस कारण सोडियम का विसरण अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ गया ना, अब तो कौन खुल जाएंगे, पोटेशियम वीजीसी खुलेंगे, तो पोटेशियम किस ओर विसरित होगा, बाहर की ओर विसरित होगा, बाहर की ओर विसरित तो होगा, तो बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और वही वापस क्या होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल वापस क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जिसके कारण वापस बाहर की ओर तो क्या बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वापस क्या बढ़ने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, मतलब डीपोलराइजेशन के अंत तक क्या होता है, सोडियम वीजीसी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं, और पोटेशियम वीजीसी क्या होंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे।
तो सोडियम विजिसिस तो क्या हुए, बंद हो गए, और पोटेशियम विजिसिस क्या हो गए, खुले गए, जिसके कारण क्या हुआ, डिफ्यूजन, और पोटेशियम आयन किस तरफ, आउटसाइड बाहर की, और एक जोलेम आके बाहर की ओर। अब आपसे ये पूछा जाए कि एक जोलेमा किसके लिए परमिएबल है, तो जो लीकी चैनल होते हैं वो तो ऑलवेज क्या रहते, ओपन रहते हैं, लेकिन जहां पर वीजीसीज ओपन रहेंगे वहां पर बात वीजीसीज के बेस पर करेंगे, ना कि लीकी चैनल के बेस पर। क्यों, लीकी चैनल के द्वारा विसरण क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा या वीजीसीज के द्वारा जो विसरण होगा ना वो बल्क के रूप में होगा, समझ गए। तो इसके दौरान किसका परिवहन ज्यादा हो रहा है, पोटेशियम का, तो पोटेशियम के लिए एक जोलेमा क्या, परमिएबल, सॉरी एक जोलेमा इज पर इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन, क्योंकि यहाँ पर सोडियम विजेसिस क्या है, क्लोज। और पोटेशियम के लिए क्या है, देखो पोटेशियम के लिए तो क्या है, एक जोलेमा इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन, और एक जोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन्स, समझ गए। आप सोडियम आयन्स के लिए परमिएबल मत कर देना लीकी चैनल के बेस पर, क्योंकि जहां पर वीजीसीज बंद रहेंगे वहां पर बात करेंगे किसके आधार पर, लीकी चैनल के बेस पर, लेकिन जहां पर वीजीसीज खुल जाएंगे तो वहां पर लीकी चैनल को आप छोड़ दो, क्योंकि वहां पर तो लीक होता है बहुत कम मात्रा। तो इस कारण होगा क्या, एक जोलेमा की आउटर सर्फेस वही पोलराइज स्टेट की तरह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इनर सर्फेस क्या हो जाएगी, वही नेगेटिव, समझ गए बात। अब वही क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ धीरे 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 क्या हो रहा है, बाहर की तरफ धीरे 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 क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और एक जोलेमा के अंदर की तरफ वही क्या, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका होगा, -70 mV, और वही वापस क्या स्टेबल हो चुकी है, पोलराइज स्टेट वापस आ चुकी है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, रिपोलराइज स्टेट, समझ के बात, कंडीशन पहले की जैसी बन चुकी। लेकिन आप एक बात ये भी समझे कि पोटेशियम बाहर की ओर विसरित हो रहा है, जिस कारण अंदर की ओर कौन सा विभव उत्पन्न हो रहा है, माइनस विभव उत्पन्न हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी इनके विसरण के कारण, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, -70 mV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -70 mV। अब जैसे ही ये वोल्टेज जीरो के आसपास होता है, मतलब +30 से ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, +30 से किस तरफ जाएगा, पहले जीरो फिर क्या आएगा, -70 mV आएगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन जैसे ये जीरो पर पहुंचता है ना, जीरो पर जैसे ही पहुंचेगा, तो आपको पता है ना कि पोटेशियम वीजीसी कब खुलते हैं, सिर्फ हाई वोल्टेज पर खुलते हैं। तो जैसे ये वोल्टेज जीरो के आसपास होता है तो पोटेशियम चैनल बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इनको बंद होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक यह वोल्टेज कितना पहुंच चुका होता है, -70 mV, समझ गए बात को। अब इस कंडीशन में इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आखिरी में आकर के काम गड़बड़ हो जाता है, स्टूडेंट को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि ऐसी ये हाइपरपोलराइजेशन स्टेट क्यों आ जाती है। देखिए अब नीचे मैंने क्या लिख रखा है, पोटेशियम का बाहर की ओर विसरण के कारण झिल्ली का विभव -70 mV, ये जो हम वोल्टेज लिख रहे हैं ना, -70, +30, -70, ये कौन सा अंदर वाला है, एक जुलेमा के अंदर वाला, -70 mV हो जाता है तथा रिपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। आगे अब ये वाला जो सेगमेंट था ये वापस अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है, तैयार हो चुका है ये अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए। लेकिन आपने जस्ट इसको अगला स्टिमुलेशन अगर दिया, अगर जस्ट अगला स्टिमुलेशन दिया ना, तो आप जैसे अगला स्टिमुलेशन दोगे ना तो वापस वही कंडीशन कौन सी आ जाएगी, डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे आप रिपोलराइजेशन वाली कंडीशन आई, आपने अगला स्टिमुलेशन इसको दिया, तो वापस कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डीपोलराइजेशन वाली, तो मतलब वोल्टेज वापस अंदर की ओर क्या होने लगेगा, पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है, जिससे न्यूरॉन अगला उद्दीपन लेने हैं तो तैयार हो जाता है। तो इसमें कंडीशन दो है, अगर आपने अनदर स्टिमुलेशन अगर दिया, सही का निशान लगा रखा है ना, अगर अनदर स्टिमुलेशन आपने जस्ट दे दिया तो
कौन सी कंडीशन आएगी? डीपोलराइजेशन कंडीशन आएगी, और क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने पहली बार मार्कर टच किया था, स्टिमुलेशन उत्पन्न, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इंपल्स कंडक्शन हुआ, वो आगे चला गया। लेकिन ये जो पीछे वाला जो सेगमेंट है ना, वो तैयार तो हो चुका है अब अगला सिग्नल लेने के लिए, अगला स्टिमुलेशन लेने के लिए। लेकिन अगला स्टिमुलेशन अगर आया ही नहीं तो क्या होगा? तो होगा ये कि पोटेशियम चैनल बंद होने में थोड़ा टाइम और लेंगे, पोटेशियम चैनल बंद होने में थोड़ा टाइम और लेंगे, और इतना टाइम जब वो लेंगे तो ये माइनस, ये पोटेशियम थोड़ा सा और क्या बाहर की ओर विसरित हो चुका होगा, और ये वोल्टेज कितना पहुंच चुका होगा? -90 मिली वोल्ट। तो देखिए, अगर अनदर सिंक स्टिमुलेशन नहीं दिया गया तो थोड़े से पोटेशियम आयन और बाहर चले जाते हैं, जिस कारण ये वोल्टेज कितना हो जाता है अंदर का? -90 मिली वोल्ट। और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपर पोलराइजेशन। देखिए, अनदर स्टिमुलेशन अगर नहीं आया तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? हाइपर पोलराइजेशन, मतलब -90 मिली वोल्ट। ठीक है, -90 मिली वोल्ट। लेकिन ये ज्यादा देर के लिए रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके दौरान सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? ओपन रहता है, तो वो वापस क्या कर देगा? उसको -70 मिली वोल्ट तक ले आएगा। तो ये पूरी पूरी कहती होल मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स जनरेशन। तो ये इंपल्स का जनरेशन देखा है, कंडक्शन अभी हुआ नहीं, खत्म। तो ये तो तीनों हमने प्रोसेस देख ली, तीनों में डिफरेंस इस तरह से देख लिया। अब इसको एक ग्राफ के तौर पर हम रिप्रेजेंट करना अगर चाहे, तो -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। तो ये तो हमने क्या लिखा है? पोटेंशियल। ये तो क्या लिखा है? ये तो पोटेंशियल लिख दिया, और ये इस तरफ क्या लिख दिया? टाइम लिख दिया। तो -70 मिलीवोल्ट रहता है कौन सी स्टेज के दौरान? पोलराइज्ड स्टेट। सिर्फ पी लिख रहा हूं मैं इसको, पोलराइज्ड, या ऐसे लिख लो, पोलराइजेशन। अब जैसे स्टिमुलेशन आएगा तो पोटेंशियल प्लस पॉजिटिव की तरफ जाता है कि नहीं जाता? तो देखो, ये पोटेंशियल बढ़ता है और +30 चला जाता है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये कौन सी स्टेज? डीपोलराइजेशन। सही लिख लेना आप इसको, ये कौन सी स्टेज है? डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के दौरान ये जो वोल्टेज है वो आगे खिसक सकता है, मतलब पॉजिटिव की ओर खिसक सकता है। अब वापस क्या आएगी? रिपोलराइजेशन स्टेज आएगी। तो वापस ये वोल्टेज किस तरह और आएगा? नेगेटिव को और आएगा। तो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? रिपोलराइजेशन। ठीक है, अगर रिपोलराइजेशन, देखो ये -70 पर आ गया ना, तो अगर -70 पर आते ही दूसरा अनदर स्टिमुलेशन अगर दिया जाएगा तो ये यहीं से आगे चला जाएगा, फिर यहीं से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अनदर सिग्नल नहीं दे आया, अनदर स्टिमुलेशन नहीं आया, तो थोड़ा सा और क्या होगा? और पोटेशियम अंदर क्या, पोटेशियम आयन क्या होंगे? बाहर जाएंगे, और ये क्या हो गया? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, मार्स 90 पर आ जाता है, और 90 पर आने के बाद में वापस ये वापस क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो ये वाली जो स्टेज लिखी है ना मैंने, ये क्या है? हाइपर पोलराइज, हाइपर पोलराइजेशन। समझ गए बात को? ये ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब देखो, हम थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे मैंने देखा पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज और रीपोलराइज। वीजी चीज वोल्टेज गेटेड चैनल, पोलराइज स्टेट के दौरान दोनों के दोनों क्या रहते हैं? बंद, पोटेशियम और सोडियम वाले भी। डीपोलराइजेशन के दौरान कौन से खुले थे? कम वोल्टेज पर कौन से खुले थे? सोडियम वीजी चीज, सोडियम वीजी चीज ओपन, पोटेशियम वीजी चीज क्लोज। रिपोलराइजेशन स्टेट के दौरान वोल्टेज क्या है? ज्यादा, तो कौन सा खुलेगा? कौन सा खुलेगा? सोडियम पीजीसी तो कह रहे थे क्लोज, और पोटेशियम पीजीसी कह रहे ओपन। आयन चैनल तो हर कंडीशन में क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। पोलिरिटी की बात करें तो मैंने पोलिरिटी आपको अच्छी तरह से बताई कि पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के दौरान एक्सोलेमा के बाहर क्या पॉजिटिव, अंदर क्या नेगेटिव। लेकिन डीपोलराइजेशन के दौरान एक्सोलेमा के बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव।
इस दौरान ये पोटेंशियल की बात करें, पोलराइजेशन स्टेट के दौरान जो पोटेंशियल जनरेट हो उसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना, -70। यहाँ पर पोटेंशियल क्या, +30, जिसको क्या बोले, एक्शन पोटेंशियल। समझ गए। अब एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टिमुलेशन का ये पोटेंशियल क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो आपको ये -70 की जगह या +30 की जगह मान लो कि +25 दे रखा है, तो वो आप उसको एवरेज मान करके कर सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करके। तो ये कहाँ क्या था आज तक का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने क्या देख लिया, कंप्लीट कर लिया कि उसको इंपल्स जनरेट कैसे होता है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इंपल्स जनरेट होने के बाद में वो इंपल्स न्यूरॉन में रन कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। देखो ये मैंने बता दिया ना, ऐसे आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा कैसे, ऐसे थोड़ी कूद करके चला जाएगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि भाई आगे कैसे बढ़ेगा, उसके बाद देखेंगे हम साइनेप्स। तो आई होप ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर था, तो आप बिल्कुल भी इसमें अटेंशन होकर के बैठे होंगे पूरी शिद्दत से, आपने पूरा लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी अच्छी तरह से आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो एक बार मेरे कहने पर एक बार इसको वापस, आप समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं आया तो एक बार आप इसको थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें जहाँ पर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के ये केमिस्ट्री के थोड़े से लगने लगता है ना कि बीच में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, फिजिक्स कहाँ से आ गई। तो आप घबराए नहीं, और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताएं, मैं आपका आंसर दूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। तो मिलेंगे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो वही मस्त रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।